चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू ट्रिकोनमेट्री, जिसमें पार्ट वन में हम लोग 6 क्वेश्चन देख लिए थे। जो न देखे हैं उनको एक बार देख लेंगे। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि प्रूव डैट कॉस 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं LHS से। LHS दिया हुआ है कॉस 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a। तो देखिए, ये 4 है तो इसको हम स्क्वायर ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो इसका फॉर्मूला किस पर आ गया? इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे मतलब होता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो हम पता करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, तो 1 स्क्वायर, इसलिए 1 प्रूव्ड। LHS बराबर RHS। देखिए बच्चों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं, जिसमें दिया हुआ है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल करना है, प्रूव करना है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम चलेंगे LHS से। LHS दिया हुआ है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। सबसे पहले इसको ऐसे कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, और 1 ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अर्थात साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो यहाँ पर प्रूव्ड हो जा रहा है। ये हो गया यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसको यदि हम लाना चाहेंगे, ये साइन में लाना चाहेंगे तो कॉस को तोड़ देंगे। यदि साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस को तोड़ दें, तो कॉस के कैसे तोड़ेंगे, माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में तोड़ने के लिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, तो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस में है, तो ये नहीं 2 नहीं होगा, ये 1 से मिला किया ना, तो 1 माइनस साइन, ये वो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्रूव हो गया। यदि हम लोग यदि हम क्या चाहेंगे, यदि चाहते हैं कि यहाँ पे देखें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, तो साइन को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी अगला बार में हम तोड़ देते हैं किसको, साइन को तोड़ देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, सब प्रूव हो गया।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कॉस 4 ए माइनस साइन 4 ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर। तो चलेंगे LHS से, तो कॉस 4 ए माइनस साइन 4 ए कैसे बन जाएंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस पर एक माइनस पर, तो इसलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू 1, ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइए कि हमको लाना है कॉस में, तो साइन को तोड़ देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब तो इसलिए क्या कर दें कि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। RHS proved। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 9th। ए साइन माइनस बी कॉस का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो LHS बराबर चलेंगे, ए साइन माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको ए माने, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा, ये माइनस चिन्ह होंगे, माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। फिर अगला है प्लस, उसी प्रकार ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब चलेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस ए पर, तो फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का, ए कॉस का होल स्क्वायर, तो ए पर भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ कट जाते हैं तो ठीक है, तो देखिए ए भाग और ए भाग दोनों सेम है, कट गए, और हम लोग ए ए का ए स्क्वायर, यदि हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ से ए उठाते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब हम बी को देखेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस बी के साथ क्या हो गया, यहाँ वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इसमें ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
इसमें भी बी कॉमन ले लेते हैं तो बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि हम जानते क्या हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और वन यहाँ पर, इसलिए ए स्क्वायर इंटू माई वन हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर इंटू वन, इसका पूरा ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो यहाँ वन, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर एच एस प्रूफ।